दोस्तों मेरे प्लेट में जो ये आलू रखा है ये नकली आलू है, और ये आलू खाने से आपकी सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती है कि आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है। मिलावटखोरों ने इतना भी नहीं बख्शा कि ये आलू गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, और हर घर में ये आलू जाता है। और मेरे पास जो बगल में है ये अमोनिया एसिड है, जिसे खाने से लोगों की मौत भी हो सकती है, लेकिन इस आलू में एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुराने आलू को नया बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है और आप पहचान कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए मुझे आलू लेके आना पड़ा। ये आलू देख रहे हैं, ये पुराना आलू है, इसे नया बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे बाजार में नया आलू आता है, हम खरीदने जाते हैं और हम ले आते हैं और घर पे टेस्टी के साथ नया आलू खाते हैं, एकदम टेस्ट के साथ साग वाग में डाल के, लेकिन कभी कभी गलती कर देते हैं, वो आलू असल में पुराना रहता है। बनाया कैसे जाता है, तो चलिए सबसे पहले बताता हूं इसे बनता कैसे है और आप पहचान कैसे करें। तो पहले बनता कैसे वो बता देता हूं। ये पुराना आलू बाजार में सस्ते के भाव, कौड़ियों के भाव उस समय मिलने लगता है जब ये खबर आने लगती है कि नया आलू आने वाला है। हर पुराना किसान हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे रखने वाला गोदाम में स्टॉक वाला हो, वो पुराने आलू को निकालता जाता है क्योंकि वो खराब हो सकता है, तो वो सस्ता बेचने लगता है। उस स्थिति में जो मुनाफाखोर होते हैं, ब्लैक खोर होते हैं, जो ब्लैक का काम करते हैं, उन्हें सूझता है पैसे की ललक, और उसी पैसे की ललक में गलती करते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या करते हैं पुराना आलू भारी संख्या में लेते हैं और उसे अमोनिया एसिड, ये अमोनिया आप जो एसिड देख रहे हैं, इसी अमोनिया एसिड के साथ, ये सूप पाउडर में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो उसी लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, उसे बाल्टी में पानी के साथ मिला देते हैं एक सीमित मात्रा में, और उसमें आलू डाल देते हैं, और लगभग 15 घंटे तक आलू को भिगोए रहते हैं। जब आलू 15 घंटे तक भिगोया जाता है अमोनिया एसिड में, तो आलू के मोटे छिलके पतले हो जाते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं कि उसे हल्का सा भी मिट्टी के साथ रब किया जाए तो छिलके इस तरह से छोड़ने लगते हैं जिस तरह से नए आलू में दिखते हैं। तो और दूसरा क्या होता है, आलू 15 घंटे भीगा रहता है इसलिए अंदर पानी भर जाता है, और आलू आपको दिखने लगता है यार पुराने आलू में तो इस तरह पानी नहीं छोड़ता है, नए आलू में पानी छोड़ता है। मैं काट के दिखा रहा हूं, देखिए ये कड़ा भी हो जाता है और ये देखिए एक बूंद पानी भी आ गया और पानी भी छोड़ने लगता है इस तरह का, और आपको लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं जैसे नए आलू में होती है। नए आदमी जो शहर के आदमी होते हैं, गांव वाले तो तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन नए शहर के लोग इसे नहीं पहचान पाते हैं, और उसके बाद से अमोनिया एसिड लगने के बाद से उस आलू को बकायदा बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद से उसे मिट्टी, बालू और मिट्टी, ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, और उसके बाद से उसी में बोरे की सहायता से उसे रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद जो है ये छिलके जो है उससे निकल जाते हैं। अब उसके बाद से उस पुराने रेट के आलू को खरीद के सस्ते अमोनिया एसिड को मिलाकर अब वो नए रेट पे बिकता है और लोगों के स्वाद में जाता है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये प्रक्रिया होती है पुराने आलू को नया बनाने में। अमोनिया एसिड का प्रयोग होता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, ये स्कैम हर साल होता है, हर मंडी में हर मुनाफाखोर करते हैं और हर सब्जी वाला इसे बेच भी सकता है, क्योंकि हो सकता है सब्जी वाले को ही ना पता हो कि नया है पुराना है, और कई बार नए में पुराना, पुराने में नया मिला के बेचा जाता है अमोनिया एसिड वाला आलू। अब पहचाने कैसे, देखिए अगर आप गांव से जुड़े हैं, गांव आते जाते हैं, तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन आपका जीवन शुरुआत में शहर में रहा है तो आपको पहचानना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बारीकियां बता देता हूं जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए उस पे कोई टैग नहीं लगा रहेगा, कुछ ऐसा नहीं लगा रहेगा जिस जो टैग या होलमार्क देख के आप सोना पहचानते वैसे पहचान सके, आलू है सामने आएगा। इसे पहचानना कैसे है, देखिए पहले खुशबू से पहचानना है। आलू आप अमूमन लेते हैं, नए आलू की खुशबू में सोंधा सोंधापन रहेगा और वो दिखने से ही लग जाएगा कि ये नया है, हाथ में एकदम बिल्कुल टाइट रहेगा, और अमूमन बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा मिलेगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में बड़े आलू आते ही नहीं है, हमेशा छोटे छोटे आलू आएंगे, जो आपको दिखने में छोटे छोटे रहेंगे वो बिल्कुल बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नहीं रहेंगे, वो छोटे छोटे रहेंगे। दूसरा, आप जब उसे काटेंगे तो आप इस तरह काटेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बना रहेगा, अंदर काला काला थोड़ा सा दिखने लगेगा, और उसके बाद से दो कलर आलू में दिखने लगेंगे, ऊपर की त्वचा कुछ और है, नीचे की त्वचा
कुछ और है, आप उससे पहचान सकते हैं। तीसरा, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, तीसरे जब आप आलू को एक साथ मिट्टी वाले आलू को जो नया हो या पुराना हो पानी में डालेंगे तो नया आलू डालते ही सारा आलू पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर पुराना आलू आप 1 किलो डालते हैं तो उसमें कुछ आलू जो है वो ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो बीच में पानी में डालने से पहले ही सड़ गए रहते हैं। अक्सर चांस रहता है कि पुराने आलू ऊपर तैरने लग सकते हैं। और तो और चौथा आपको हिदायत बता देता हूं, ये हमेशा सोचिए कि नया आलू जब मार्केट में तुरंत आए तो आप उसे तुरंत खरीदने से परहेज करें, पुराने से ही काम चलाएं, क्योंकि पुराने आलू एक तो सस्ते रेट पे मिलेगा और दूसरा कुछ दिन उसी से काम चलाएं। जब मौसम 1 महीना बीत जाए, सामान्य रूप से आलू का आवागमन हो जाए, मार्केट से पुराना आलू गायब हो चुका हो, तब नए आलू को खरीदने की कोशिश करिए। इस जल्दीबाजी में आप अपना स्वास्थ्य तो खराब करेंगे, महंगे रेट में चीजें लेंगे, साथ में आप गलत चीजें भी ले सकते हैं, इसलिए परहेज करिए। और अगर परहेज नहीं कर पा रहे हैं तो खुशबू से काट कर और बहुत संजीदा तरीके से आलू लेने का प्रयास करें, क्योंकि ये आलू हर घर में आता है, हर आदमी का फेवरेट होता है, चाहे आप इससे कचालू बनाएं चाहे चाट बनाएं, सब फेवरेट होता है, मजा भी बहुत आता है खाने में। इसी कारण इसमें मिलावट खोर जो होते हैं वो अमोनिया एसिड जैसे एसिड मिलाते हैं और उसके बाद से आपके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। मेरी ये पेशकश आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस बार नया आलू खाए या नहीं खाए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।